इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पहले देश के गलियारों में ईवीएम पर सवाल उठाए जाते थे, इस बार विदेशों से हमला बोला गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस बार ईवीएम पर सवाल उठाने वाला विपक्ष चुप बैठा था, लेकिन एक रिपोर्ट ने शांत बैठे विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया। दरअसल ईवीएम पर सियासी बवंडर की शुरुआत टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बयान से हुआ है। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि लोकसभा चुनाव परिणाम के 13 दिन बाद पूरे देश में ईवीएम को लेकर यह हल्ला क्यों मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद इस बार किसी भी पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल नहीं उठाए थे, सब अपनी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया भले ही सरकार बनाने में सफल नहीं हुआ, लेकिन वो इस बात की खुशी जरूर मना रहा था कि इस चुनाव में बीजेपी को कई राज्यों में वोट प्रतिशत का नुकसान हुआ है। साथ ही अपने अच्छे प्रदर्शन को लेकर भी विपक्ष संतुष्ट था। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ईवीएम को लेकर एलन मस्क ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर देश में विवाद बढ़ गया है और पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि चुनाव नतीजे के इतने दिनों बाद देश में ईवीएम को लेकर शोर क्यों मचा हुआ है। दरअसल दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार एलन मस्क ने हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर सवाल उठा दिया था। उन्होंने 16 जून को एक चौंकाने वाला दावा किया, कहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी चुनाव से ईवीएम को हटाने की भी मांग की थी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने एक बयान अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया था। आइए अब आपको बताते हैं कि कैनेडी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कैनेडी जूनियर ने एसोसिएटेड प्रेस का हवाला देते हुए ट्विटर पे एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़े हुए सैकड़ों मतदान अनियमितताएं सामने आई हैं। सौभाग्य से ये एक पेपर ट्रेल था, इसलिए समस्या की पहचान की गई और वोटों की गिनती को सही किया गया। सोचिए उन क्षेत्रों में क्या होता होगा जहां कोई पेपर ट्रेल नहीं है। उन्होंने आगे कहा था कि अमेरिकी नागरिकों के लिए ये जानना जरूरी है कि उनके हर एक वोट की गणना की गई है, उनके चुनावों में कोई सेंध नहीं लगाई जा सकती। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से बचने के लिए उन्हें पेपर बैलेट पर वापस लौटना होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि एलन मस्क के बयान पर राहुल गांधी ने क्या कहा। टेस्ला सीईओ मस्क के पोस्ट को टैग करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देश में ईवीएम के जरिए हो रहे चुनाव पर तंज कसा। उन्होंने शनिवार को पोस्ट किया, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है जिसकी जांच करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया के पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। देश भर में ईवीएम पर छिड़ी बहस में सैम पित्रोदा भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि एलन मस्क के एक बयान की वजह से भारत में ईवीएम पर बहस लगातार तेज होती जा रही है। तथ्य स्पष्ट हैं, ये केवल अकेली ईवीएम नहीं है बल्कि वीवीपैट से संबंधित प्रक्रियाएं और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी एक जटिल प्रणाली भी है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने 60 साल से ज्यादा वक्त तक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम जैसे सेक्टर में काम किया है, मैंने ईवीएम की व्यवस्था का पूरा अध्ययन किया है। मेरा ये मानना है कि इससे छेड़छाड़ हो सकती है। सबसे सही रहेगा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो और उसकी गिनती से ही हार और जीत का फैसला किया जाए। कांग्रेस इंडियन ओवरसीज के पूर्व अध्यक्ष ने जोर देकर यह भी कहा कि भारत में हाल के चुनावों के दौरान वीवीपैट मतदाता सूची, डाले गए वोट, गिने हुए मार्जिन, विजेता, हारने वाले आदि के बारे में भ्रम पैदा करने के लिए मतदाताओं और ईसीआई के बीच विश्वास बनाने के लिए सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने स्वर्णिम नियम को लेकर कहा कि स्वर्णिम नियम यानी जिसके पास सोना है वही नियम बनाता है। सबसे ज्यादा सोना रखने वाले व्यक्ति ने ईवीएम और स्वर्णिम मानक के रूप में पेपर बैलेट की जरूरत पर बात की है। मैं सहमत हूँ, मुझे उम्मीद है कि हम सुनेंगे, सीखेंगे और काम करेंगे।
अब आइए आपको बताते हैं कि ईवीएम को लेकर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा है। सबसे पहले अमित मालवीय ने कहा कि एलन मस्क या जिसे भी ऐसा लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है वो भारत के चुनाव आयोग के पास जाकर इस पर बात कर सकते हैं। वहीं राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ईवीएम सुरक्षित है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में बनाए जाने वाले ईवीएम खास पद्धति से डिजाइन किए गए हैं जिसे किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी डिवाइस से, ना ही ब्लूटूथ, वाईफाई और ना ही इंटरनेट से। इसके साथ ही राजीव चंद्रशेखर ने सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक से डिजाइन करने और बनाने के तरीके पर एक ट्यूटोरियल देने की भी पेशकश कर दी। इस बहस में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एलन मस्क को जवाब देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक से डिजाइन और बनाया जा सकता है जैसा कि भारत ने किया है, हमें इस पर एक ट्यूटोरियल आपको देने में काफी खुशी होगी। आपको बता दें कि ईवीएम पर सियासी बवंडर मुंबई तक पहुंच गया। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडेलकर पर आरोप लगाया गया कि वो 4 जून को मुंबई के काउंटिंग सेंटर में एक मोबाइल फोन लेकर गए थे और ईवीएम को अनलॉक किया था। पुलिस ने इस मामले में वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वनराई पुलिस की जांच में ये पता चला कि मंगेश पांडेलकर फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया था। मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने की जानकारी सामने आने पर विपक्षियों ने हमला बोलना शुरू कर दिया। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों पर आश्चर्य जताया है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ईवीएम पर इसलिए संदेह किया जा रहा है क्योंकि इस लोकसभा सीट से उनकी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। दरअसल इससे पहले शिवसेना के प्रत्याशी रविंद्र वायकर ने मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर को 48 महज 48 मतों के अंतर से हराया और इस चुनाव परिणाम के बाद ये आरोप लगने लगे कि मतगणना के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर ईवीएम से कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। इसके जवाब में एकनाथ शिंदे ने कहा था कि राज्य में किसी अन्य लोकसभा सीट के परिणामों पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना के प्रत्याशी की जीत हुई है। हालांकि मुंबई में ईवीएम हैकिंग के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। मुंबई के रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा था कि ये आरोप पूरी तरह से गलत है और ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा था कि ईवीएम को किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। ईवीएम के बारे में गलत सूचना फैलाने और भारतीय चुनाव प्रणाली में संदेह पैदा करने के लिए न्यूज़पेपर जिसने की खबर छापी थी उसे नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि एनडीए का नेता चुने जाने के बाद ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को संसदीय दल को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने ईवीएम को लेकर भी विपक्षी गठबंधन को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि जब 4 जून के नतीजे आए तो मैं काम में व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हुए। मैंने कहा कि ये आंकड़े तो ठीक हैं, ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है या मर गया, क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा दिया जाए। ये लगातार ईवीएम को गाली देते रहे, ये ईवीएम की अर्थी निकालने की तैयारी में थे। शाम आते आते उनकी जुबान में ताले लग गए और ईवीएम ने उन्हें चुप करा दिया। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि ताकत लोकतंत्र और चुनाव आयोग की है। आशा करता हूं कि 5 साल ईवीएम नहीं सुनाई देगा, लेकिन 2029 में हम जाएं तो शायद ये फिर ईवीएम कहने लगे। चुनाव में हर तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए ताकि चुनाव आयोग के काम में रुकावट आए। कैसे रुकावट डालें इसका प्रयास करते रहे। चुनाव जब चरम पर थे तब चुनाव आयोग की ताकत का बड़ा हिस्सा अदालतों में जा रहा था। कितनी निराशा थी उन लोगों में, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब आइए आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम कैसे रहे। हमारे देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब कई राज्यों में विधानसभा और उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन एक बार फिर से ईवीएम का जो जिन्न है वो बाहर आ गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को सामने आए थे। इस चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ। पार्टी इस बार अपने दम पर 272 सीटों यानी कि बहुमत के जादुई आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। हालांकि एनडीए को इस चुनाव में 292 सीटें मिली और इसी के साथ नरेंद्र मोदी की तीसरी बार
प्रधानमंत्री की शपथ ली। उधर इंडिया गठबंधन ने अपने अनुमानों को धता बताते हुए 234 सीटों पर सफलता हासिल की। आपको बता दें कि बीजेपी ने 240, कांग्रेस ने 99 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। अब आपको हम ये भी बताएंगे इस रिपोर्ट में कि नतीजों से पहले ईवीएम के सवाल पर क्या कहा था मुख्य चुनाव आयुक्त ने। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने ईवीएम को लेकर पूछे गए सवाल पर मुस्कुराते हुए कुछ ऐसे कह दिया था जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही थी। दरअसल उन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा था, अब तो सबके सामने है, अब तो सबको पता है, तो अब क्यों पीटना है, अब थोड़ी दिन ईवीएम को आराम करने दीजिए, उसे अगले चुनाव तक आराम करने दीजिए, फिर बाहर आएगी, बैटरी बदलेंगे, पेपर बदलेंगे, फिर वो गाली खाएगी और फिर रिजल्ट अच्छे से बताएगी। शायद गलत मुहूर्त में उसका जन्म हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।